अंतरिक्ष में एक बड़ी विचित्र सी घटना होती है जो साइंटिफिक है, कमाल की होती है, एस्ट्रोनॉमिकल घटना। मंगल अकेला ग्रह है जो सूर्य के आकर्षण से बहुत दूर और पास भी आ सकता है। यह चार चार महीने एक राशि में घूमता रहता है। मंगल चार नंबर नीच राशि का था, नीच राशि कहते हैं उसको, नेगेटिव नीच वर्ड लगाया हुआ है। जब मंडल कमीशन हुआ था भयंकर आगजनी हुई थी जबरदस्त तरीके से, और ये अग्नि है इसके पास, नाभि पर क्या है, आग है। अब यदि आपका जोडियक में ऐसे ऐसे स्थापना है मंगल की कि एनफ पावरफुल है, ऑलरेडी ताकतवर है, और आप इसे और ताकत दे रहे हैं, तो आप इसको फाड़ देंगे, आपके स्किन को खराब कर देगा। जलन करने वाले लोग जो जेलेसी से भरे पड़े, खूब जलते रहते हैं, फूटते रहते हैं, तेरे से तेरे, उन सबको स्किन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मंगल का सारा लोड कौन लेता है, गुरु। घर का जो बच्चा है उसका ध्यान कौन रखेगा, गुरु रखेगा ना। पिताजी या माताजी शिकायत लगाएंगी, माँ शिकायत लगाती उसे पसंद नहीं है बिल्कुल। इसलिए मंगल मम्मी से तो बहुत कलेश करता है। और चार नंबर की राशि चंद्रमा मंगल की होती है, जिसमें सबसे खराब फल देता है, लेकिन माँ है, इसलिए जिसका मंगल चार नंबर का है करोड़ोंपति बनाता है। पढ़ा लिखा है नहीं है, गंवार है, कुछ भी है, सब जाके अपनी कुंडली में कटिंग करके चार नंबर लिखते मंगल लिख देना। साले पहले करोड़पति तो बने ऐसे कि तहजीब भाड़ में गए ज्योतिष और भाड़ में गया ज्ञान। ये विचित्र बिहेवियर है इनके, क्योंकि ये मंगल जो है ये माँ के घर में धमा चौकड़ी मचाता है, लेकिन नष्ट नहीं करता, लेकिन करेगा अपने मन की, तो ये बहुत डप जाती है। ये हनुमान जी हैं। अब यदि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अल्टीमेटली सूर्य को तसल्ली दे रहे हैं, बृहस्पति को ठीक कर रहे हैं, आप शनि के लिए नास पीट रहे हैं। शनि क्या होता है, तेल। मंगल क्या है, आग। जब आग तेल के पास जाएगी तो त्राही त्राही मच जाएगी, तेल की ऐसी की तैसी, और अग्नि भयंकर भड़केगी। यह हनुमान चालीसा क्लास में हम बात कर चुके हैं कि जब हनुमान जी लंका में गए, माया नगरी थी ना शनि, सोने की गोल्ड, गोल्ड का निकलता धरती में, तो हनुमान जी, ये जल है, ये अग्नि है, जल है, और ये पृथ्वी है। जलधि लांधी गए अचरज नाही, जल को लांग के हनुमान जी चले गए। जहां से हनुमान जी गए जल को लांगा, और ये पहुंच गए धरती पे, सोने की लंका, सोने की लंका की ऐसी की तैसी फेर दी। रावण कुछ नहीं कर सका, यानी शनि कुछ नहीं कर सका, यानी आपका मुन्ना का लोग कहिए, आपका मुन्ना, हम 12% जो भाग्य है जो फिक्स करके लाए, जिसको धरती पे कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसको कोई रोक सकता है तो हनुमान जी। भाग नहीं बदलेगा, लेकिन 12% से ऊपर नहीं जाएगा। ये जो 12 से ऊपर हम रो रो के पिट पिट के हाय हाय करते रहते हैं, खून के आंसू रोते हैं, और उसको 72 भी दे देते हैं, बॉडी माइंड सिंक हो गया, मैनिफेस्ट हो गया, आप रोते रहो सारी जिंदगी, एक रोना कितने साल रोओगे, पागल हो क्या? हाँ हम पागल हैं, पिछले 6 महीने से यही रोना गा रहे हैं। 6 महीने छोड़ो, लोग तो 16-16 साल से रो रहे हैं, एक ही बात, भजन बन गया वो, अजपा जब अंदर तरंगित और झंकृत हो गया है, कॉस्मोस में जो वेव्स जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, वो ये कहती है इसका काम ना बनेगा भैया, ये यही तो भजन करता है, यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसका वही होगा। तो हनुमान जी, अब हनुमान जी अगर आपके इष्ट हैं कुंडली में तो ठीक, और नहीं है तो ऐसी की तैसी कर देंगे आप। हनुमान जी ने रावण की ऐसी तैसी की थी ना, वो ऐसी की तैसी भी कर सकते हैं, तो है तो इष्ट देवता है, तो बहुत गुड भगवान, लेकिन भैया गलत तरीके से ट्रीटमेंट करी तो सत्यानाश। अब हनुमान जी के दिन पे थोड़ी कहते हैं कि भैया आपने लाल चंदन लगाना तो हरा चंदन लगा दो, नो, वो वर्जित है, नेगेटिव है, आपको लाल ही लगाना है, उनका श्रृंगार लाल से ही होगा। तो ये देवता की स्पेसिफिकेशन है, ये अग्नि का देवता है, ये शनि स्वागत करता है इसका। जब ये बेटा आता ना युवराज घर का आता है कि शन्नू सेवा करनी है, चलो, ये फट कहता हाँ चलो चलो चलो, छोटे मालिक का सम्मान करना है, छोटे मालिक के लिए राहु तू भी चल, केतु चल, इंद्र वरुण यम सारे चलो, सेवा करते हैं, इसके आगे पानी भरते हैं ये, क्योंकि सूर्य है, बेटा है, इसने बाप को भी मुंह में ले लिया था, हनुमान जी ने सूर्य को भी मुंह में ले लिया था। ये कहानियां सूचक हैं, ये इतनी डीप साइंस है कि या तो इसकी सिलेबस बना हो और हमारे स्कूल में पढ़ाया जाए, अन्यथा ये डीप साइंस है। ये कहानी का क्या मतलब है, हनुमान जी ने सूरज को मुंह में ले लिया। अगर कॉस्मोस
हाँ जी, उसकी ग्रेविटी के अंडर नहीं, उसकी ग्रेविटी के आगे पीछे भाग जाता है, अंडर मतलब पूरी तरह उसके अंडर नहीं। बुध कभी भी सूर्य से एक से डेढ़ राशि आगे जा नहीं सकता, सूर्य एक से आगे, शुक्र जा नहीं सकता एक राशि से आगे, किसी हालत में कुछ भी कर लो, ये नियम है संसार का। जी सर। शनि 30 साल में गोल घूम के आएगा ही, 11 साल में बृहस्पति आएगा ही, इसी की तैसी, मंगल का कोई सिर पैर नहीं, ये 6-6 महीने एक राशि में नाच लेता है, सूर्य की ग्रेविटी में रहते हुए भी मिसबिहेव करता है, ये इतना पावरफुल है। कहते हैं ना मंगल ही मंगल हो, सब अच्छा हो, यहां से ऊपर ही होगा जो अच्छा। इसकी रीडिंग सर डेफिनेट नहीं है, हो सकती जैसे कैलकुलेशंस जो होती हैं, तो वो डेफिनेट कैलकुलेशन फिर हो ही नहीं सकती इसकी कोई, तो जो ये भी हमारे पंचांग बनते हैं या मंगल के हिसाब से जब भी कोई कैलकुलेशन करी जाएगी फ्यूचर की, सब डेफिनेट है। सो वो भी डेफिनेट है, मतलब आगे पीछे कब होगा ये सब इनडेफिनेट भी डेफिनेट है, डेफिनेट है, कितना इनडेफिनेट चलेगा ये भी डेफिनेट है। हाँ जी फिक्स है, 12% तो फिक्स ही है, समझ गए। इतना नाचेगा, इतना मिसबिहेव करेगा, ये भी डेफिनेट है। फ्री विल जैसी क्लास करेंगे हम तो वहां धुलेगा, ये बहुत डीप है।